उसके पति ने न्यू बोला कि भीतर आ जा, भीतर दूंगा तना आटा। जी मेरा हाथ पकड़ के ले गया, मेरे गले जबरदस्ती करने लगा। जब वो मेरा हाथ पकड़ के मन भीतर ले गया, मेरे गले जबरदस्ती करने लग गया, मैं किलकी मार के बाहर निकल के आ गई। जितने और मेरे बहन और मेरे भाई आ गए दोनों। जब फिर वो उसकी पत्नी आई भीतर तक निकल गए, फिर मम्मी तीनों इकट्ठे हो गए। फिर मन आगे गली में ले जागे गन्नत आई आपका घर था। जब फिर मन पिटी पहली तो डंडा गेली और फिर मम्मी तीनों आगे चल गए थे। बाद में मम्मी तीनों ने पिटी और गाड़ी चढ़ा दें दी मारे ऊपर। मम्मी झाड़ियाँ पड़ गए तो पंडा छुटवाया गाड़ी तक लगी मेरे भाई को। मेरे पैर दुख रहे, अलर्ट लग रहा है, मुझे यहाँ पे बैठ जाए। जब मेरे भाई कह रहे कि बैठ जाए बेबी, हम बाद में मांग लेंगे थोड़ी सी देर में। जे जाडे के दिन छोटे तो होते ही, जब शाम होगी फिर मम्मी ने मारन लग गई दूसर बा। दूसर मारन लग गई फिर मम्मी मसा मसा ओढ़ तो पेंडा छुटा के उनता है। फिर बा मारा ढोल भी कोस लगी बा, मारी चप्पल चप्पल सारी ओढ़े टूट गई। मम्मी खेता में पड़ दे पड़ दे, तीन दिन तक घर आया मम्मी तीनों। मतलब अनुष्का ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और साथियों आपने एक वीडियो देखी थी जो इंस्टाग्राम पे पूरी वायरल हो रही थी कि किस प्रकार से दो लड़की और एक लड़के को जानवरों की तरह पीटा गया, बिल्कुल बुरा हाल कर दिया पीट पीट कर। तो आपने गांव वाले की वीडियो देखी उसके बाद कि गांव वालों का क्या कहना था। गाँव वाले बिल्कुल खिलाफ में थे। गाँव वाले वो कह रहे थे कि बिल्कुल गलत कराया गया जो उनके साथ कराया गया। तो दूसरा पक्ष है वो सामने है, तो उनका क्या कहना है आप बात करवाओगे, आपने दिखाओगे। एक बार पहले आप देख लो, ये वो लड़का है जिसकी हालत है, क्योंकि वो लड़कियां हैं उनकी भी पीट पीट का बुरा हाल कराया गया है इस लड़के का। मतलब लड़का फिलहाल अगर बात कराए तो बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। उनके पिताजी है ये, इधर उनकी माताजी है, पिताजी से बात करेंगे। राम राम सर। नमस्कार जी सब। तो सर मतलब ये कब का हादसा है जी? 23 तारीख का। 23 तारीख का। हाँ जी। आप क्या करते हो? हम जी गाना बजाने के काम करते हैं लगभग। मतलब सारा फैमिली यही काम करती है? ये काम करते हैं सब। तो मतलब आपको पता लगा जब, तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन जी मैं तो जा रहा था बाहर, ये तो शाम ने अंधेरे पड़े, रात ने 11 बजे के बाद में आके घर बड़े थे। अच्छा। पैदल हम इनको बच्चे ढूंढने फिरने सब गए, बोले कहाँ गए। घर पे नहीं आए बच्चे? घर पे आए नहीं जी, पैदल बताओ उबाने पगा बालक है, चोट इतनी लाग रही, खेतां फट फट के डर दे फिर दे जी। फिर ये जागे 11:30 बजे आए। फिर जी मैं कौन था बाहर, मेरे लगे मोबाइल नहीं था, घर पे छोड़ गया था। तो वहाँ से जी मैं चलिया, दूसरे दिन तीसरे दिन बाद तो को पता लग गया मुझे, वीडियो वायरल होने लगी जद। जो फिर मैं जी घर पे आके देखा तो इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अच्छा सर नू बताओ, मतलब जो है ये अपना गाना बजाना करके मांगने का काम करते हो, मतलब ये तो नहीं कोई चोरी करी है, डाका डाला है जी? चोरी ठगी करा तो पुलिस प्रशासन ने फोन करके गलती करा तो वहाँ पकड़ो हमको, उनको पकड़ाओ भाई, तुम्हारे बच्चे ये गलती करी तो हमने थाना में दे दिया भाई, तुम छोड़ा ले उनको, उल्टे काम करके वो जेल में जाएगी जी। मतलब देखो जो घटना हुई है ना, जो आपने भी देखी है, तो वो मतलब है ना, अगर मान लो किसी ने चोरी कर लिया, डाका डाल लिया, तो कानून हाथ में लेने का किसी का भी अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से पीटा गया, मतलब शायद कोई इंसान किसी जानवर ने भी ना पीटा है। राम राम जी। मैं नमस्कार कहूँगा, आप बैठ जाए जी। आप भी अपना नाम बताओ। मेरा नाम एडवोकेट प्रदीप बानखड़ है और मैं भीमार में हरियाणा लेवल पे काम करने वाला आदमी हूँ। बात ये है, और पहले से तो धन्यवाद करना चाहूँगा कवाड़ साहब कि आप जींद से एक मानवता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। बात ये है 23 तारीख की, 23 तारीख को करीब 1 बजे के आसपास ये बच्चे और ये भाई अपना ढोल बजा के उस गाँव मलापर में पहुँचे। मलापर गाँव में पहुँचे तो सब आटा मांग रहे थे, ये लड़का और उसकी एक बहन थोड़े से दूर पर आटा मांग रही थी। वो लड़की जिस हिसाब से लड़की ने मुझे बताया, जो घटना घटी उस लड़की ने मुझे बताया, वो लड़की जिस घर में गई उसने कहा कि भाई मुझे आटा दे दो। तो लड़की की उम्र है जी बालिक है, नाबालिग लड़की है, उसका हाथ पकड़ के उसने कहा कि अंदर आ जा आटा देता हूँ तेरे को। वैसे से उस लड़की ने आदमी ने बोला, हाँ आदमी ने बोला कि हाथ पकड़ के कि अंदर आ जा तेरे को आटा अंदर देता हूँ। तो लड़की ने विरोध कर दिया। इस विरोध को देखते हुए उसकी लड़की ने सोचा भाई इस लड़की ने कुछ गलत किया है, और वो अग्रेसिव इसलिए हो गया शायद कि भाई कल को गांव रामे तेरी बेइज्जती होगी कि तूने ऐसी घटना क्यों कर दी। जैसे देखो मुझे उन बच्चों ने बताया, जो स्टेटमेंट बच्चों की है वो मैं बता रहा हूँ सबके सामने। फिर उसने लड़की उस महिला ने उसको मारना शुरू कर दिया। फिर वो अपना बीच बचाव करने के लिए भाई आया, इसने लाठी डंडे जब भयंकर तरीके से पड़ रहे थे, मैं उस वीडियो को देख के जी मैं खुद रो उठा, क्योंकि वो इस वीडियो में इतनी भयंकर स्थिति में पीटा जा रहा था जो कि जानवरों को भी नहीं पीटा जाता। अब बात रही है जब ये छुटाने के लिए आया तो उसकी बहन जो छोटी बड़ी बहन थी उसने अपना ढोल उड़ाया, तब उसको चोटें लगी, उनको इनको मारना शुरू कर दिया भयंकर तरीके से मारा। फिर दूसरी जगह फिर थोड़ी दूर पर और गए, वहाँ पर उनको पीटा। फिर ये क्या करे, जब इनको बहुत ज़्यादा डंडे लग गए ना पाँव पे हाथों पे, इनका दर्द हो गया तो छोटी लड़की की सलवार तक फट गई डंडे खा खा के। उसने कहा कि भाई मेरे से चला नहीं जाता, मैं बैठ जाती हूँ, वो गली के में किसी छोर पे बैठ गए। गली में जब बैठे
तो तेज रफ्तार गाड़ी से वो बाद में फेरा और उसको लड़की को लड़कों को मारा। ये बच्चे उठ के वहाँ से साइड में खुद कि मर ना जाएं, और जैसे ही चार बंदे थे उसमें, दो का हम नाम नहीं जानते, नाम तो ये भी नहीं जानते थे, तो हमारा प्रदीप राजौरिया जी बैठे थे पीछे, उन्होंने सारी की सारी डिटेल निकलवाई और बताया कि ये बात है भार्गव साहब, इसी ढंग से हमें काम करना है। उसके बाद में नीचे उतरे उसकी महिला, वो खुद इतने भयंकर तरीके से उसने लठोर डंडों से इनको मारा जिसकी कोई हद नहीं है। गांव वालों ने भी उसको नहीं छोड़ा, पहले तो एक बूढ़े ने छोड़ा था एक लड़की को, लेकिन बाद में गांव वालों ने नहीं छोड़ा। फिर जैसे तैसे किसी की आत्मा पसीसी वहां पे आए और उन्होंने कहा कि भी छोड़ दो, और ये बच्चे वहां से भाग गए, सरपंच के घर पे गए, सरपंच को जाके घटना बताई। उस टाइम मौके पर सरपंच नहीं था, उनका ढोल भी छीन लिया। एक महिला जो वहां पे थी, उस महिला ने ये कहा, लड़की ने मेरे को बताया कि भैया, महिला ने मेरे को ये कहा कि तुमने बताती हूँ, चार पाँच मलंगा ने बुलाती हूँ उनको, तुम्हारे इस पर क्या करवाती हूँ देखना। अब शब्द उन लड़कियों के लिए यूज किए गए, जाति सूचक शब्द, तुम जैसे भोपड़े, तुम जैसे घटिया कमीन रामखोर गंदे इंसान यहाँ पे हमारे आगे, ये इतनी भयंकर तरीके से गाड़ी दी। उसके बाद में बहुत ज़्यादा तरीके से उनको मारा। फिर वो लड़के सरपंच नहीं मिला तो सरपंच की पत्नी को बोल के चले गए। उसके बाद वो खेतों में चले गए, खेतों के रास्ते आए। तीन दिन के बाद वो अपने घर पर आए हैं। क्या हुआ उन बच्चों का, कितने डरे होंगे बच्चे, कहाँ रहे होंगे बच्चे। एक माँ चाहे, देखो देश में सबसे बड़ी विडम्बना तो यही है कि वो आटा मांग के खा रहे हैं, मांग के ही तो खा रहे हैं। उसके साथ साथ में ये घटना घट जाती तो देश शर्मसार हो रहा है। यहाँ की सरकारें बोलती हैं बेटी बटाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वो नारा है, हम लोग भी चीख चीख के बोलते हैं भाई बेटियों को पढ़ाओ, उनको बचाओ, उनको सेफ रखो, लेकिन क्या ये जो चीज़ें आई है यह सही है? रुका गया, हमने एक एफिडेविट बनवाया, एफिडेविट बनवा के सरकारी हॉस्पिटल में दिया। सरकारी हॉस्पिटल में एफिडेविट देने के बाद में इनको तीनों को एडमिट कराया। उन बच्चियों को चोटें जाती थी, भाई को भी बहुत ज़्यादा चोट है, ये बोल भी नहीं सकता, और आज रुकाया है, आज हमने बयान दिए हैं, बयान पे MLR कट के चली गई है और बयान दर्ज हो गया, FIR दर्ज हो जाएगी। मुकदमा जी चार लोगों के खिलाफ दिया हमने, बाई नेम दो को जानते हैं, हमें पता नहीं था पहले उनका नाम क्या है, तो हमारी टीम ने ना इनको पता था भाई इनका नाम क्या है, वो तो हमारी टीम ने निकाला है कि उसका नाम सोनू है, उसकी वाइफ का नाम पूनम है, दो अन्य लोग हो रहे हैं उसके साथ में जो आयु है उसको बचाव पक्ष में कि भाई इनको मारो पिटो ये करो फलाना करो, उनको दो साथ में भी थे उनके। तो ये घटना जी बहुत निंदनीय है। बताइए आपको कब पता चला कि इस प्रकार से? मेरे को एक्चुअली तो 4-5 दिन पहले पता चला, 23 तारीख घटना थी, मेरे को पता चला ये 25 को। जैसे मेरे को 25 को पता चला तो मैंने अपनी टीम को लगाया कि पूरे दिन काम किया मेरे, अब मेरे को वीडियो तो वीडियो को जब हमने देखा तो मैंने प्रदीप से संपर्क किया कि भाई ऐसे ऐसे घटना घट चुकी है और मतलब लोगों का कुछ, पीड़ितों का कुछ पता नहीं है, तो प्रदीप ने और मैंने हमारी टीम को लगा दिया। तो हमने मलापर गांव के लोगों से भी संपर्क किया, मलापर गांव के लोगों ने बड़ा सहयोग किया हमारा, और मलापर गांव के लोगों का बड़ा पॉजिटिव रवैया रहा कि भाई जो घटना हुई है किसी गरीब के साथ वो बिल्कुल गलत हुई है, है ना। मलापर गांव के लोग वो खुद हमारे साथ आए, गांव वाले हमारे साथ आए मलापर गांव के, और उसमें जनरल समाज के लोग भी थे और शेड्यूल कास्ट के लोग भी थे, सारा समाज सर्व समाज मिल के हमारे साथ आया। हमने इधर उधर इनको ढूंढा तो हमें पता चला कि ये लोग अगरवा गांव के किसी एक कस्बे में बस्ती में रहने वाले हैं, वहाँ रहते हैं। जब इनके पास गए तो ये बहुत ही डरे हुए थे और इनकी हालत बहुत गंभीर थी उस समय, और मतलब ये बाहर भी नहीं आना चाहते थे। हमने इनको हौसला बढ़ाई की कि हम आप लोगों के रक्षक हैं, बक्षक नहीं है, ठीक है, और हम आप लोगों को न्याय दिलाएंगे और आप लोगों को दवाई पट्टी जो भी है, तुम लोगों को चोट आई है देखें, हमने देखा गुड़िया के पाँव के अंदर लठ लगे हुए थे, इधर से स्वेलिंग थी, ठीक है, वो चल भी नहीं सकती थी, भाई का तो बिल्कुल बुरा हाल था। तो मतलब इतने डरे हुए थे कि मतलब पता नहीं वो भाई बड़े लोग हैं पता नहीं क्या कर देंगे। तो उसके बाद में फिर हमने संपर्क करके पूरी टीम को पीछे लगाया और इनको यहाँ लेके आए, सिविल हॉस्पिटल हिसार लेके आए। तो मैडम जी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देखो होता है कि सर्व समाज मिल के आता, जिन लोगों को पेन है, जिनकी इंसानियत अभी जिंदा है, तो हमारा कहना ये है कि देखो जब तक इन लोगों का समाधान नहीं होगा, उन लोगों को स्पेशली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, स्पेशली ट्रीट नहीं किया जाएगा, इन लोगों का समाधान नहीं होगा, ये लोग ऐसे ही पिटते रहेंगे। आप यहाँ नहीं, अगर कभी ऑटो मार्केट विजिट करना इशार के ऑटो मार्केट में नाबालिग बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ 10-12 साल की बच्चियाँ आपको लोहा चुगते हुए मिलेगी, है ना, कट्टे लेके। और वो बच्चियों के साथ पता है आपको क्या होता है, उनका सेक्सुअली हरासमेंट इतना ज़्यादा है मैडम, क्योंकि वहाँ ना कोई भी दुकान वाले उनको लोहा देने के रसे अंदर दुकान के अंदर बुला लेते हैं और उनका सेक्सुअली हरासमेंट करते हैं, और वो बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में उन बच्चियों को वो बच्चों को भी जन्म दे देती है, और उनके बच्चे वो कुंवारी लड़कियाँ वो बच्चे ले फिरती है, और उनके वो बच्चे फिर वो आगे फिर वो यही काम करते हैं। तो
इन लोगों का, जो गरीब लोग है, जो आदिवासी है, जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं रेलवे स्टेशनों पे, उन लोगों के लिए पॉलिसी सरकार को लेके आनी बहुत ज़रूरी है। और किसी भी गरीब आदमी को जैसे पीटा गया है, देखो वो किसी, मतलब हर कोई आदमी, वो मैं किसी प्रशासनिक अधिकारी को दिखाई उसको भी, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं उसको भी, किसी और को दिखा रहे हैं, चाहे आपको दिखाया हो, सभी का दिल है ना रोता है कि ऐसे नहीं पीटना चाहिए यार। कोई कुत्ते नहीं है ये, कोई जानवर नहीं है, या आपका किसी का कोई, इनका कोई पर्सनल लॉस किया हो, भीख ही तो मांग रहे थे। और वो भी ये बेचारे ढोल बजा के आपको, ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती आपके घर से लेके गए हैं, कोई कुछ सामान उठा के लेके गए हैं, भाई भीख मांगिए, आपने देना है तो दीजिए, नहीं इनको बोलिए कि आप जाइए, दो मिनट आपके सामने, दो मिनट बोल के चले जाएंगे, दो मिनट शोर शराबा करके चले जाएंगे, लेकिन निकल जाएंगे, आप मत दीजिए, आप गेट बंद कर लीजिए। ये कौन सा मतलब है कि इनको बेचारों को बेरहमी से पीटने लग जाए, और वो भी एक बच्ची, सोचिए एक नाबालिग बच्ची, वो क्या जानते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता, उनको इस तरह से पीटा गया। अगर कहीं वो इतना बड़ा लठ, आप देखोगे वीडियो के अंदर, अगर वो सिर में या कहीं ऐसी सीरियस जगह पे लग जाता तो मौत भी हो सकती थी। और इनको तो लगता है कि कीड़े मकोड़े हैं, इनका तो कोई कुछ नहीं है। देखो मतलब आपने पूरा की पूरी घटना सुनी है, दूसरा पक्ष सामने है, उधर आपने देखा था कि किस प्रकार से गांव वालों ने सारी घटना थी वो बताई थी, और यहाँ पे पूरी घटना दिखाई है। जो लड़का है आप देख रहे हो कि बोलने के लायक नहीं है, और जो नाबालिग लड़की भी थी उनमें, और एक बालिक थी, दो लड़कियां थी ना? हाँ जी, दो लड़कियां थी। मतलब इस घटना को लेकर एक की 18 साल उम्र है, इसकी लड़के की 19 साल उम्र है। अगर ये लड़ाई अगर हम नहीं, कोई प्रशासन का कोई भी अधिकारी इसमें उच्ची मानसिकता दिखाएगा तो फिर वो बख्शा नहीं जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताएं, और उन लोगों को भी हम कहना चाहेंगे जिन्होंने मतलब उस वीडियो को इतना वायरल किया और वो वीडियो वहां तक पहुंची, और मतलब इन पर यहां तक पहुंच के मतलब ये हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए, नहीं तो वो घटना 23 तारीख की है और आज 27 तारीख हो चुकी है। तो आपका क्या कहना है जरूर बताएं, और तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।